बाल मित्रों, धोरण 7 सेमिस्टर बीजो बेटी कविता। आज आपणे तमारी सामे अहीं बेटी काव्यनी समजूती आपेली छे, एनो कवितानो भावार्थ अहीं बेटी हूँ मैं बेटी अने एनी जे लाइनो छे उजियारा करूंगी त्यां सुधीनी आ समजूती छे। एना पछी बीजी पंक्तिओ जे छे पढूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। तो जे आजे पंक्ति जे छे एनो भावार्थ आया छे कि पढ़ लिख कर मैं मेहनत करूंगी, स्वनिर्भर बनकर मैं दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझने की कोशिश करूंगी। तो एना पछीनी जे लाइनो छे कि फूल जैसी बनकर बेटी हूँ मैं बेटी, तो अहीं तेनु पण भावार्थ आपेलू छे कि मैं फूल जैसी सुंदर बनकर बागों में खिलूंगी, तितली बनकर हवा को चूम लूंगी, हवा को चूमूंगी और नाचूंगी गाऊंगी बेटी हूँ मैं बेटी। बराबर, हवे आना यहाँ शब्दार्थ आपेला छे, बेटी एटले के पुत्री, सहारा एटले के आश्रय, आधार, गगन एटले के नभ, आकाश आयना समानार्थी शब्द ना अंदर पण आपणे लई शकीए, चमकना एटले के जगमगाना, यहाँ उन्नति करना मतलब आपेलू छे, उजियारा एटले के उजाला, प्रकाश, पछी तितली, अहीं रंगबेरंगी, उड़ता पतिंगा। हवे मुहावरे के अर्थ, तारा बनना एटले के श्रेष्ठ बनना, हवा को चूमना एटले के मंजिल को पाना, अपने पांव पर चलना एटले के आत्मनिर्भर बनना। हवे अहींनो अभ्यास आपेलो छे कि इस काव्यों को आरोह अवरोह के समूहगान कीजिए, तो आ कविता ने एना लयबद्ध साथे आपणे गावानी छे। बराबर, पछी अहीं बीजो प्रश्न जे छे, निम्नलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। आ तमने पूछवामां आव्युं छे कि तमारे आत्मनिर्भर बनवू होय तो तमारे शुं करवू पड़े, तो अहीं एनो आंसर बनशे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और खूब मेहनत करूंगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले मैं अपनी ज़रूरतें स्वयं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करूंगा। इस प्रकार आत्मनिर्भर बनने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह मैं करूंगा। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, तो क्योंकि बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। आत्मनिर्भर बनकर बेटी दुनिया को देखेगी और दुनिया को समझेगी। बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे, तो बेटी की तरह मैं अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए खूब पढ़ूंगा लिखूंगा और मेहनत करके हर तरह से अपने माता पिता की सहायता करूंगा। मैं सदा ऐसे कार्य करूंगा जिससे मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सके। इस प्रकार मैं अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए हमेशा ऐसे कार्य करूंगा जिससे मैं उनकी मदद कर पाऊँ और इज्जत से वो अपना सर हमेशा के लिए ऊंचा कर सके। चलो, इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों, तो बड़ा होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिक्षक छात्रों को अच्छे बुरे कामों का फर्क समझाते हैं, वह छात्रों को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। शिक्षक समाज का निर्माण करता है, इसी कारण समाज में उसकी बहुत मान सम्मान होता है। इन्हीं कारणों से प्रभावित होकर मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। आगे देखो, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। मैं जीवन में कहीं साहसपूर्ण कार्य करना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता
और परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ। मैं सदा ऐसे काम करना चाहता हूँ जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। चाहिए का प्रसार घर घर होना, में शिक्षा, तो यहाँ घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए का वाक्य क्या बनेगा? घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इधर एक का पेट भारत की है, मूलतः नीम धरती, तो नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। इसी तरह नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती, दातो लिए के, तो नीम नीम की दातुन दातों के लिए श्रेष्ठ है। दिया जलाकर दिया रख में आंगन, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। अधीरता दिखानी हमें, में नहीं खाने चाहिए, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो इसी तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। चलो आगे देखते हैं। बॉक्स में दिए गए ये शब्द के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पतियों में लिखिए। तो यहाँ पे मिसाल, गर्व, अंबर, शान और कष्ट, तो यहाँ उसको ककावारी क्रम में लिखने का है। तो पहले हमेशा स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन का यूज किया जाता है। तो पहले यहाँ पे अंबर आएगा, दूसरे नंबर पर कष्ट आएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे गर्व आएगा, फोर्थ नंबर पर मिसाल आएगा और पांचवें नंबर पे शान आएगा। शब्दों के अर्थ मिसाल, ऐसे के उदाहरण होता है उसका मतलब। गर्व का मतलब होता है अहंकार। अंबर, तो अंबर का मतलब होता है आकाश। शान, शान का मतलब होता है प्रतिष्ठा। कष्ट, कष्ट का मतलब होता है मुसीबत। शब्दकोश के क्रम अंबर, कष्ट, गर्व, मिसाल और शान। चलो आगे देखते हैं। बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमना चाहती है, वह हवा को चूमना चाहती है, बेटी मस्त होकर नाचना और गाना चाहती है। इस तरह बेटी तितली बनकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है, वो धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। बेटी की इच्छा है कि वह दुनिया रूपी बागों में फूल की तरह खिले। बेटी तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, नाचना और गाना चाहती है। इस तरह बेटी की कई तमन्नाएं हैं। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो जो कविता की पंक्ति दी गई है पाठ्य पुस्तक के अंदर, उसका भावार्थ यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। उसको बड़े ध्यान से आप पढ़िए और उसको समझिए। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। तो उसका यहाँ पे भावार्थ दिया गया है कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। आगे देखो, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। तो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी,
पढ़ लिख कर मैं दुनिया को देखूंगी और समझूंगी। चलो आगे देखो, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए, सफल तो असफल। तो उसी तरह से यहाँ तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है, तो यहाँ पे उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का वाक्य बनाकर उसके अंदर प्रयोग करना है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे आकाश, तो आकाश का विलोम शब्द होता है धरती, उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो आकाश में बिजली चमकती है, धरती पर बारिश होती है, यहाँ पे उजियारा और अंधियारा, तो सूर्योदय होते ही चारों ओर उजियारा हो गया, इसी तरह रात होते ही अंधारिया हो जाता है। इधर उधर, वह इधर ही आ रहा है, पानी का गिलास उधर रखिए, इसी तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। भलाई और बुराई, भलाई का विलोम शब्द है बुराई, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, हमें सदा बुराई से बचना चाहिए। पाना और खोना, चलो उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो सफलता पाना सबको अच्छा लगता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे वचन को परिवर्तन करने का है, एक वचन में से बहुवचन में उसको परिवर्तन करने का है। यहाँ पे लिखा है घोड़ा, तो घोड़े, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। उसी तरह से मैं और हम, मैं बाजार जा रहा हूँ, हम बाजार जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, बच्चे बच्चा, तो बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, उसी तरह से बच्चा व्यायाम कर रहा है। फल वाला देखते हैं, खिलौना खिलौने, वाक्य प्रयोग खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। इधर खेत खेत, खेत में फसल लहराती है, खेत में फसलें लहराती है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, कैसा साहसी बालक थी, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, पानी तो है भी कितना है, थोड़ा सा है, वो आदमी जा रहा है, आदमी जा रहा है भी, वो आदमी जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ से 3 लिखा हुआ है, यहाँ से बगीचे में सुंदर फूल है, तो फूल तो है भी सुंदर है, कैसा साहसी बालिका थी, तो कैसा बालिका तो है, कैसी बालिका है, साहसिक बालिका है। तो उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जो है साहस, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की व्याख्या है। आपको अगर जो पूछा जाए प्रश्न भी के विशेषण किसे कहते हैं, तो उसका आंसर ये होगा कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, तो यहाँ पे ईमानदार जो बताया हुआ है वो उसकी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, रास्ता तो तय करना पड़ता है, लेकिन कैसा रास्ता तय करना पड़ता है, लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कौवे का रंग काला होता है, कौवे का रंग कैसा है, काला है, तो यहाँ पे काला है वो उसकी विशेषता है, तो विशेषण बोलते हैं। खरगोश का शरीर मुलायम होता है, खरगोश का शरीर तो है कैसा है, मुलायम है। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है, भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, पानी गंधहीन होता है। तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं,
पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। उपर्युक्त वाक्य में ईमानदारी, लंबा, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है। वे शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दया, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऐसे बहुत से क्वेश्चन रखे हुए हैं जो उसको आप देखकर, पढ़कर समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर देने का, उसके बाद उसको देख लेने का। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे वजह से आपके मित्र भी ये पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे, लिख सकेंगे। जितना बने इतना इस चैनल को फैलाओ, जिससे गरीबों की हेल्प हो सके। प्रश्न के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे धरती पर चमक कर कौन उजियारा करेगा, तो यहाँ पे बेटी आएगा। बेटी, बेटी तितली बनकर किसे चूमना चाहती है? बेटी तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इसके बाद थर्ड वाला, बेटी बागों में किस तरह खिलना चाहती है? तो सुंदर फूल बनकर खिलना चाहती है। बेटी क्या बनकर सहारा बनने की चाहत रखती है? तो बेटी तारा बनकर सहारा बनने की चाहत रखती है। चलो आगे देखो। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये बहुत से क्वेश्चन आंसर है, उसको पढ़ो, समझो और अच्छी तरह के एक नोट्स बनाओ और उसको लर्न करो। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। गगन, तो उसका समानार्थी शब्द होता है आकाश। इधर प्रकाश, तो उसका समानार्थी शब्द होता है आलोक। पांव, तो यहाँ पे होता है पैर। दुनिया, तो यहाँ विश्व। फूल, तो पुष्प। सहारा, तो आश्रय। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक दो वाक्य में, तो धरती पर बेटी कैसे चमकना चाहती है? तो धरती पर बेटी चंदा की तरह चमकना चाहती है। बेटी किसकी तरह बागों में खिलना चाहती है? बेटी फूल की तरह बागों में खिलना चाहती है। बेटी हवा को चूमकर क्या क्या करना चाहती है? तो बेटी हवा को चूमकर नाचना और गाना चाहती है। बेटी पढ़ लिख कर किसका सहारा बनना चाहती है? बेटी पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती है। इसी तरह यहाँ पे बहुत से प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। पूरी एक्सरसाइज आपके सामने रखी हुई है, उसमें से सबको स्टडी करो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहेंगे, जिसके वजह से आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने चैनल पे सभी स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के वीडियो बनाकर आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब